किसान भाइयों, इस वक्त हमारे खेतों में बहुत सारी फसलें हैं, जिनमें धान की फसल अगर आपने उगा रखी है तो उसके आप समसामयिक कार्य कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे भी किसान भाई बहन हैं जो धान की फसल से संबंधित बहुत सारी जानकारियां लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप वैज्ञानिक विधि से धान की खेती करेंगे तो आप कमाएंगे दुगना लाभ और आपको मिलेगा अधिक से अधिक उत्पादन भी। तो आइए जानते हैं विस्तार से हमारे कार्यक्रम के इस भाग में। किसानों को हमेशा ही अच्छे बीजों की तलाश रहती है। अच्छे बीज यानी जिनमें कोई रोग ना हो और कोई मिलावट ना हो, पैदावार भी बढ़िया दे। इसमें विशेषज्ञ ही किसान की मदद कर सकता है। कैसे? गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करके। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के बाजार में आम उपज की तुलना में दोगुने मिल जाते हैं, लेकिन इसमें वैज्ञानिक विधि से बीज उत्पादन का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर पिछले कई वर्षों से किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रेरित भी कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहा है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर खेती में बीज आपका अच्छा है तो आपकी पैदावार स्वतः 20-25% तक उपज बढ़ जाती है। किसान भाइयों, जहाँ तक देखा जाए बीज की उपलब्धता की बात, तो हमारे किसान भाइयों को साधारणतः गुणवत्तायुक्त की बीज की उपलब्धता नहीं हो पाती है। इस गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर ने नवंबर 2008 से एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम था सहभागी गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कुछ चुने हुए किसानों के यहाँ यह कार्यक्रम चलाया जाता है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों के खेतों पर गुणवत्तायुक्त बीजों का उत्पादन करा करके किसान से किसान को ही बीज का वितरण किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो बीज किसानों तक पहुंचता है उनके पास अच्छी गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता हो जाती है। उस गुणवत्तायुक्त बीज को लगाने से किसानों की उत्पादकता बढ़ती है। यदि देखा जाए तो किसान भाइयों, 2008 से अब तक अगर गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन के कार्यक्रम में देखा जाए तो लगभग प्रत्येक वर्ष 130-150 किसान शामिल होते हैं और 2008 से लेकर अब तक अब जो देखा जाए इसमें जो बीज की मात्रा जो पैदा की गई है, गेहूं की फसल का लगभग 2700 कुंटल बीज पैदा किया गया और इतने बीज को लगभग 1250 किसानों में वितरित कराया गया। साथ ही साथ धान का जो बीज जो कि विशेषकर बासमती है, इसमें देखा जाए लगभग 1900 कुंटल के आसपास बीज के पैदावार हुआ और यह लगभग 1000 किसानों में वितरित किया गया। इस प्रोग्राम के का प्रभाव यह रहा किसान भाइयों, जैसा आप देखते हैं कि जो बीज किसानों तक पहुंचा दूसरे किसानों तक, जो कृषि विज्ञान केंद्र का जो ऑपरेशनल एरिया है जिसे हम लोग अंगीकृत एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल का क्षेत्र कहते हैं, उसमें जहां तक बीज की प्रतिस्थापन दर बढ़ने की बात है, गेहूं में किसान भाइयों लगभग 52% तक बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ गई है। इसी के साथ साथ जहां तक धान की बात आती है, इसमें लगभग 44.5% तक इसमें बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ा हुआ है, जिसके साथ साथ किसान भाई देखा जाए उत्पादकता की बात होती है कि अगर देखें तो हमारा किसान का जो गेहूं की उत्पादकता है वह लगभग 58 कुंटल प्रति हेक्टेयर के दर के आसपास जो हमारा ऑपरेशनल एरिया वहां तक गया हुआ है। साथ ही साथ जहां तक धान की बात आती है, इसमें लगभग 48 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमारे जो अंगीकृत एरिया है, ऑपरेशनल एरिया, वहां के किसानों की उत्पादकता बढ़ी हुई है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जो है सहभागी गुणवत्ता बीज उत्पादन का कार्यक्रम है, इसमें किसान ही शामिल होता है। कृषि विज्ञान केंद्र जो इसमें टेक्निकल बैकअप के रूप में देता है, शुरुआती फेज में जो FLD के माध्यम से जो बीज दिए जाते हैं उनका बीज उत्पादन किया जाता है, शेष बीज वही उसी से बीज प्रतिवर्ष बढ़ता चलता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और इसमें किसान प्रतिदिन प्रतिवर्ष कुछ नए किसान जो कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षण लेते हैं वह जुड़ते चले जाते हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो किसान भाइयों, यदि आप देखें तो यदि सहभागी गुणवत्ता एक बीज उत्पादन के जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना की गई, यदि इसको सही तरीके से पूरे जनपद में हमारा जो सेकेंड एक्सटेंशन लाइन सिस्टम है अगर उसको वह लागू कर दें तो किसानों को गुणवत्ता एक बीज की उपलब्धता की जो समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। अच्छे बीजों से उपज में करीब 20-25% का फर्क पड़ जाता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की मांग बढ़ेगी ही। हमने सहारनपुर के चौरा खुर्द गांव के एक प्रगतिशील किसान महक सिंह से बात की, जो पिछले 4 वर्षों से पूसा बासमती 1401, जिसे पूसा सुगंधा 6 भी कहते हैं, इसके उन्नत बीज किसानों को बेच रहे हैं और काफी लाभ भी कमा रहे हैं।
मैं कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर से जुड़ा हुआ हूँ, बीज का उत्पादन करता हूँ। मेरे द्वारा पिछले 4-5 वर्षों से बीज का उत्पादन किया जा रहा है। ये पूसा बासमती छः है, जिसको 1401 भी कहते हैं। इसका मैं प्रतिवर्ष शुरुआत जब स्टार्ट किया था तो उस समय मेरे द्वारा सिर्फ 20 क्विंटल बीज तैयार किया गया था, जो मैं किसानों को वितरित कर दिया। उससे नेक्स्ट ईयर 95 क्विंटल किया, उससे नेक्स्ट ईयर जो है 150 क्विंटल किया। वही 10 किलो 15 किलो 25 किलो के हिसाब से जैसा जिसका होता है उसको किसान को दिया जाता है। इतने ही बीज का उत्पादन होता है और वो सभी किसान लोगों को अच्छा बीज मिल जाता है, गुणवत्तायुक्त बीज मिल जाता है। इससे मेरे को जो है फ़ायदा होता है और पैसा जो है बीज के रेट का ही मिल जाता है, उससे जो मार्केट रेट होता है उससे ज़्यादा मिल जाता है। और किसान को यह फ़ायदा होता है कि गुणवत्तायुक्त बीज मिल जाता है और उसकी पैदावार 20-25% बढ़ जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मुझे ट्रेनिंग दी गई थी बीज उत्पादन के लिए, और मेरे को बताया गया था कि किस तरह बीज करना है, क्या करना है। और समय समय पर अब भी जो है डॉक्टर साहब आते रहते हैं और मेरे को बीज के बारे में जो भी जानकारी है वो देते रहते हैं, और समय समय पर जो भी कार्य करने होते हैं वो कराए जाते हैं। रोगिंग तो होती है डॉक्टर साहब, इसकी रोगिंग वगैरह तो सब कुछ होता ही है। बीज उत्पादन के लिए जो भी जरूरी आवश्यक कार्य होते हैं वो डॉक्टर साहब द्वारा बताए जाते हैं और हमारे द्वारा वो पूर्ण रूप से किए जाते हैं। ये हम लोग जो है 2009 से बीज का उत्पादन कर रहे हैं। वैसे करने में हमें मार्केट में बेचना पड़ता है, और इसको अगर बीज का उत्पादन होता है तो किसानों को दिया जाता है, जिससे हमें रेट अच्छा मिलता है और हम मुनाफा ज़्यादा होता है। अतिरिक्त लाभ उसमें 50% के करीब हमें अतिरिक्त लाभ हो जाता है, 50% के करीब अधिक लाभ हो जाता है, क्योंकि बीज का रेट जस्ट डबल के करीब होता है जो भी रेट होता है। उससे हमको ज़्यादा फायदा मिल जाता है कि भाई 2 पैसे मिल गए और किसान का काम हो गया। और लोग भी अगर करना चाहते हैं तो बीज के उसमें जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पहले ब्रीडर बीज जो है यूनिवर्सिटी से हम लोगों को दिया जाता है, हम लोग थोड़ा उसको पैदा करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो F1 हो जाता है, उसके बाद F2 हो जाता है, फिर सर्टिफाइड हो जाता है। इसी तरह बीज का जो है बढ़वार हो जाती है। जो ब्रीडर बीज होता है हमको जो मैक्सिमम जो है आधा किलो या 750 ग्राम दिया जाता है, उसके बाद में जो है ये बढ़ जाता है हमारे यहाँ से, तो हम किसानों को वितरित कर देते हैं, अपने लिए भी रख लेते हैं, और बहुत अच्छे उससे जो है वो होता है। दूसरा किसान भी अगर करना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र से जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उनसे सहायता ले सकते हैं, और हमसे भी अगर चाहते हैं तो हम भी उन्हें जो है समय समय पर जो आवश्यकता होगी वो दे दी जाएगी। दोनों के देखभाल में थोड़ा फर्क होता है। बीज एक्चुअल में बीज होता है, आम धान आम होता है, उसमें कोई रोगिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता। इसको प्रिवेंटली हमें जो है बीमारी से बचाना पड़ता है। अगर नहीं बचाते हैं, वैसा धान में अगर बीमारी लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, वो मार्केट में सेल हो जाता है। लेकिन अगर बीज में ही बीमारी लग जाती है तो उससे तो नेक्स्ट ईयर जो है और किसानों के यहाँ बीमारी लगेगी और दिक्कत होगी। हमारा मैसेज तो यही है कि किसान भाई जो है 1401 बहुत अच्छा चावल है, इसका खाने में भी और बहुत अच्छी इसकी पैदावार है। किसान भाई जो है गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन के करें और उसे ही अपने यहाँ से लगाएं। प्रगतिशील किसान महक सिंह ने किसानों की जरूरत को समझा और उन्हें उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए KVK सहारनपुर से ट्रेनिंग ली और आय में भी इजाफा किया। उन्नत किस्म के बीज के उत्पादन में अब किसानों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण लेकर आगे आना ही होगा, तभी किसान भी खुशहाल होगा और खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।